हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी निषेचन की और निषेचन की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया। और आपको पता हो तो सबसे लास्ट घटना या सबसे लास्ट इवेंट हमने पढ़ा था दोहरा निषेचन। और दोहरे निषेचन के हमारे पास कितने रिजल्ट थे? दो रिजल्ट। कौन कौन से रिजल्ट थे? एक नर युग्मक ने एक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर एक युग्मनज का निर्माण किया, द्विगुणित युग्मनज का। और दूसरा रिजल्ट था हमारे पास में ट्रिपल फ्यूजन का, जिसमें एक नर युग्मक ने एक द्विगुणित द्वितीयक कोशिका से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किया। तो ये दो रिजल्ट मिले। अब इनके आगे के इवेंट्स को हमको स्टडी करना है कि निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया हुई है, निषेचन के बाद कौन कौन से चरण आ जाते हैं। तो इनको हम यहां पर अध्ययन करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, या हम इसे कह सकते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। क्या कहेंगे इन्हें? निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है ना, यानी निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं। अब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो दो रिजल्ट तो आपके पास में, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना और पेन से भ्रूणपोष का बनना। तो सबसे पहला तो आ जाता है आपका भ्रूणपोष का विकास, पहला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का विकास। दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास। उसके बाद में निषेचन के बाद ही सामान्यतः अंडाशय से किसका विकास होता है? फल का। तो तीसरा इवेंट आ जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी फल का विकास। और एट लास्ट आपका आ जाता है जो ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होना है ना, तो यहां पर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर मेनली आपको ये चार टॉपिक स्टडी करने हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इन दो की ही बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष का विकास। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि ये भ्रूण पोष है न कि भ्रूण कोष। भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सेक, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, विच इज डेवलप बिफोर द फर्टिलाइजेशन। और एंडोस्पर्म जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं, विच इज डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्लियर? अब देखें उस प्रोसेस को हम एक छोटा सा रिवाइज ले लेते हैं यहां पर, कि एक आपका हैप्लोइड मेल गैमेट है और साथ में सेंटर में एक डिप्लोइड सेकेंडरी सेल प्रेजेंट होती है। ये आपस में फ्यूज होके, जिसको अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू ये बनाती है एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से फर्दर किसका विकास होने वाला है? भ्रूणपोष का विकास होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक त्रिगुणित एंडोस्पर्म डेवलप होने वाला है। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स देखें कि सामान्यतः सभी आवृतबीजी पादपों में दोहरे निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। तो आप कह सकते हैं भ्रूणपोष का जो विकास है वो निषेचन के बाद होता है। जबकि अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, अनावृत बीजी पादपों की, तो अनावृत बीजी पादपों में निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। इसीलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लोइड एंडोस्पर्म अगुणित भ्रूणपोष, कैसा? अगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्यों? देखें डेवलप बिफोर द फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पहले ही इसका विकास हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन एंजियोस्पर्म के भी हैं, कुछ उदाहरण या कुछ अपवाद आप कह सकते हैं आवृत बीजी पादपों में भी देखने को मिलते हैं। वो कौन से? ये रहा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, ओइनोथेरा, काफी बार आया हुआ है एग्जाम्पल। ये एक आवृत बीजी पादप है और आवृत बीजी पादप में आपका डिप्लोइड एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। सामान्यतः सभी आवृत बीजी पादपों में त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है और अनावृत बीजी पादपों में अगुणित भ्रूणपोष होता है। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें, आवृत बीजियों का अपवाद है ओइनोथेरा, और ओइनोथेरा में द्विगुणित भ्रूणपोष देखने को मिलता है आपको। क्लियर? उसके बाद में देखें कि इसके लिए ये तीन सेंटेंस आपको ध्यान में रखने हैं, नोट डाउन करने हैं। क्या है? प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो और जर्मिनेटेड सीड, यानी भ्रूणपोष क्या करता है?
अंकुरित बीजों को और भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। अंकुरित बीज एवं भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि चूंकि इसको भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाना, इसीलिए भ्रूण के विकास से पहले किसका विकास होना है? एंडोस्पर्म का। इसीलिए सबसे पहला इवेंट हम ये स्टडी कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्यों? एम्ब्रियो को विकसित होने के लिए पोषण पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी, और वो पोषण कौन उपलब्ध करवाएगा? एंडोस्पर्म अवेलेबल करवाएगा, ठीक है ना। तो ये थी बात। और उसके बाद में एंडोस्पर्म में जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। तो पादपों में सभी जगह आपको पता है भोजन का संग्रह किस रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट रहता है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर आपका, कि तीन प्रकार के आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष, जिन्हें हम कहते हैं यहां पर क्रमशः न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणपोष हो गया, और तीसरा आ गया आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसे हम हेलोबियल भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष के प्रकार। तो देखें, अगर हम बात कर रहे हैं भ्रूण पोष के प्रकार की, तो सबसे पहले मैंने आपको ये पहले समझा दिया कि भ्रूण पोष और भ्रूण कोश में क्या अंतर है ना। तो इसका डेवलपमेंट कैसा होता है उसकी हम बात कर ली, लेकिन फिर भी आप डायग्रामेटिकली समझे कि ये रहा आपका जो भ्रूण कोश है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद का जो भ्रूण कोश है उसकी बात, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर देखें कि जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिका क्या हो गई है? विलोपित हो गई है, विलुप्त हो गई है आप कह सकते हैं। जो आपका द्वितीय केंद्रक था वो एक नर युग्मक के साथ में संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का यानी पेन का निर्माण कर लिया है उसने। नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड या आप कह सकते हैं बीजांड द्वारीय सिरे की ओर जो आपकी दो सहायक कोशिकाएं थी वो डिसएपियर हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, और जो आपकी एक एग सेल थी अंड कोशिका वो एक नर युग्मक के साथ में संलयित होकर उसने जायगोट बनाया, युग्मनज, और युग्मनज से अब किसका परिवर्तन? भ्रूण का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहां पर चल रहा है। तो ये एक वो स्टेज है कि जस्ट जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको एम्ब्रियो सेक कैसा दिखेगा। अब इसी एम्ब्रियो सेक से किसका फॉर्मेशन होने वाला है? एंडोस्पर्म का, और डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म का। तो यहां पर कौन कौन से टाइप के एंडोस्पर्म बनेंगे देखें, तो आपका आ जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे आप कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा आ जाता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसे आप कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आ जाता है हेलोबियल, जिसे आप हेलोबियल ही कहेंगे हिंदी में भी, हेलोबियल या मिश्रित भ्रूणपोष भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखें बात क्या है यहां पर, कि एम्ब्रियो सेक के अंदर जो आपका पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है फ्री न्यूक्लियर डिविजन, केंद्रकीय विभाजन। कोशिका विभाजन में दो चरण होते हैं, एक होता है केंद्रक विभाजन और दूसरा चरण होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? मैं केंद्रक विभाजन की बात कर रहा हूं। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं चल रहा है, बल्कि केवल और केवल यहां पर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन तो होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इस अवस्था में होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बनने वाला जो एंडोस्पर्म होता है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और आप इसे कह सकते हैं सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष, सबसे सामान्य भ्रूणपोष अगर कोई है तो वो है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? तो कौन सी प्रक्रिया? स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन। किसमें?
अगर आप पूरा स्टेटमेंट बताते हैं तो ध्यान में रखें, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक में स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणकोष का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के एंडोस्पर्म में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता तो कोशिका भित्ति भी यहां पर क्या होंगी? एब्सेंट होंगी, कोशिका भित्ति यहां पर नहीं बनती है, जबकि मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का क्या होता है? निर्माण। अब हुआ क्या देखें, तो पहले एग्जांपल देख लेंगे। इस प्रकार का भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है? डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में, और उसमें भी आपको ध्यान में रखना है पॉलीपेटली वर्ग जो है, उस पॉलीपेटली वर्ग के सभी पादपों में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। होता क्या है कि इसमें कोई एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, कोई भी एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आप मान लीजिए, उस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में लगातार केंद्रकीय विभाजन हुआ और केंद्रक विभाजन से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हुआ। जब बहुत सारे केंद्रक बने तो ये सारे केंद्रक भ्रूणपोष की भित्ति के आसपास एकत्रित हो गए और मध्य में आपको एक रिक्तिका देखने को मिलती है। मध्य में आपको क्या देखने को मिलती है? एक बड़ी रिक्तिका देखने को मिलती है और बाकी आइड साइड में ये आपको सारे क्या मिल रहे हैं? ये सारे के सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर एक सिंसिशियल कंडीशन या आप कह सकते हो यह एक प्रकार की बहु केंद्र की अवस्था है। कैसी अवस्था है? बहु केंद्र की अवस्था। नीचे की तरफ देखें आप, ये रहा माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वारीय सिरा, और बीजांड द्वारीय सिरे पर भ्रूण का परिवर्धन चल रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? भ्रूण के परिवर्धन से पहले एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो ये भ्रूण का तो जो डेवलपमेंट है वो अब यहां पर बहुत फास्ट होने वाला है, उससे पहले आपका जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप हो चुका है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को आप कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, एक ही कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। और देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, कोकोनट वाटर या नारियल का पानी, नारियल का पानी जिसे लिक्विड सिंसिटियम के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विड यानी तरल रूप में तो होता ही है, सिंसिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? बहु केंद्र की अवस्था। तो नारियल के पानी में बहुत सारे केंद्रक एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? लिक्विड सिंसिटियम। और यही कारण है कि नारियल का जो पानी है वो बहुत ज्यादा पोषक पदार्थों युक्त होता है। उसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे रीजन ये कि ये जो न्यूक्लियस है ये काफी न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है। ये थी बात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। अब हम बात कर लेते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म की। तो देखें सेलुलर एंडोस्पर्म में केंद्रक विभाजन के साथ, केंद्रक विभाजन के पश्चात कह सकते हैं आप, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य विभाजन से किसका निर्माण? यहां पर कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो वहां पर बहुत सारे केंद्रक थे, यहां पर बहुत सारी क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ एक कोशिका का क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर भ्रूणपोष के बाहर की तरफ कुछ चूषकांग का निर्माण होता है। बाहर की तरफ क्या होता है? इसी प्रक्रिया द्वारा कुछ चूषकांग बनते हैं और ये चूषकांग बीजांड काय से पोषक पदार्थ कह सकते हैं, भोजन कह सकते हैं, स्टार्च कह सकते हैं, पोषक पदार्थ का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और उसे कहां उपलब्ध करवाते हैं? भ्रूण को उपलब्ध करवाने का काम करते हैं।
एग्जाम्पल ध्यान रखना, डायकोट यानी वही द्विबीजपत्री पादप की, ये पॉलीपेटली वर्ग था, ये गैमोपेटली वर्ग है। इसके अंदर आपको किस प्रकार का सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष देखने को मिलता है। ये कोशिकीय भ्रूणपोष देखिए, प्रत्येक विभाजन के साथ यहां पर एक भित्ति का क्या हो गया, निर्माण। तो यहां पर कहीं आपको सिंसिशियल कंडीशन या बहुकेंद्रक की अवस्था देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत सारे केंद्रक जो है वो सेल वॉल से लेस है, यानी एक पूरे के पूरी यहां पर आपको सेल देखने को मिलेगी। बाहर की तरफ जो आपको ये सेल्स दिख रही है ऑरेंज कलर में, ये है आपकी सकस या चूषकांग, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होता है बीजांडकाय, और बीजांडकाय में पेरेन्काइमेटस सेल यानी मृदुतिकी कोशिकाएं, और मृदुतिकी कोशिकाओं का प्राइमरी फंक्शन भोजन को या भोज्य पदार्थों को संग्रहित करना। तो जब भ्रूण का परिवर्तन चलेगा तो बाहर से अगर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता हुई तो ये चूषकांग क्या कर लेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। यहां पर जैसे हमने बात की थी कि नारियल का पानी एक प्रकार से लिक्विड सिंसिटियम कहलाता है, और किसका उदाहरण है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। नारियल का पानी आपको पूछ ले तो वो किसका उदाहरण है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का। लेकिन अगर नारियल की गिरी या नारियल का खाने वाला भाग, और सामान्यतः आप कहते हैं नारियल की चटकी, है ना, तो जो चटकी है, जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट का मतलब होता है खाने वाला पोर्शन, तो कोकोनट नारियल का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या है, एक तरीके का सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो यानी देखें आप, एक चीज इमेजिन की होगी आपने, जिस नारियल में पानी ज्यादा होता है उसकी गिरी या उसकी चटकी पतली होती है, जिसमें पानी कम होता है उसकी चटकी मोटी होती है। इट मींस जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वही किसमें कन्वर्ट हो गया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा आ जाता है आपका लास्ट, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म की अगर अपन बात करें तो हेलोबियल, हेलोबियल किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम हेलोबियल क्यों रखा, तो देखें दो पॉइंट है यहां पर। एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में, एक बीजपत्री पादपों का एक गण है जिसका नाम है हेलोबियल गण, उस हेलोबियल गण के सभी पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणपोष मिलता है, इसलिए इसका नाम ही उस गण के आधार पर रख दिया, हेलोबियल भ्रूणपोष। दूसरा पॉइंट, इसे आप मिश्रित या मिक्स्ड टाइप का जो भ्रूणपोष है वो भी कह सकते हैं। मिश्रित क्यों कहा, क्योंकि यहां पर जो आधा पोर्शन होता है या आधा भ्रूणपोष होता है वो तो केंद्रकीय होता है, और आधा कैसा होता है, कोशिकीय। कैसे, तो देखिए बात करते हैं यहां पर, कि यहां पर आप देखिए जो बीजांड द्वारी सिरा में जहां पर ये एम्ब्रियो है, व्हाइट कलर का आपको ये एम्ब्रियो दिख रहा होगा, इस एम्ब्रियो की तरफ वाली जो सेल्स है वो आकार में बड़ी। तो एक तो ये भी पूछा जाता है नीट में कभी कभी कि हेलोबियल या मिश्रित प्रकार के भ्रूणपोष में कौन सी कोशिका आकार में बड़ी होती है, तो ध्यान में रखें जो प्रथम विभाजन होता है अनुप्रस्थ विभाजन, ये रहा आपका प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन, और इसकी वजह से एक कोशिका भित्ति बनी, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो है उसकी वजह से दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो निभागीय कोशिका होती है वो आकार में छोटी, और जबकि जो बीजांड द्वारीय कोशिका होती है वो आकार में बड़ी। अब इन दोनों में से किसी भी एक सेल के अंदर आप न्यूक्लियर बना लीजिए, दूसरे के अंदर आप सेलुलर बना लीजिए। मैंने बीजांड द्वारीय कोशिका में देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केंद्रकीय भ्रूणपोष को प्रदर्शित कर रहा है। ऊपर वाली में मैंने बहुत सारी जो है सेल्स बना ली, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोशिकीय भ्रूणपोष को। तो इस तरीके से यहां पर आपको दोनों तरह के भ्रूणपोष देखने को मिल रहे हैं, न्यूक्लियर भी हो गया सेलुलर भी हो गया, इसीलिए इसे हेलोबियल या मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष भी कहते हैं। और फंक्शन तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, काम क्या है इसका, भ्रूण को परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य है इसका फंडामेंटली। क्लियर, तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, पूरी की पूरी एंडोस्पर्म एंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास अपन यहां पर कह रहे हैं। अब देखें कि डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंट को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो हैंस्टीन ने डिस्कवर किया था एक डाइकोट प्लांट के अंदर, विच इज
कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस, पूरा नाम क्या है इसका, कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस, एक डाइकोट एक द्विबीजपत्री पादप है और उसके अंदर हैंस्टीन ने 1840 के अंदर ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। उसके बाद में देखें कि जो कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस प्लांट है कौन सी फैमिली से है, तो क्रूसीफेरिया ब्रैसिकेसी फैमिली से ये प्लांट है ना। उसके बाद में देखें कि एक्चुअल में हम जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टडी कर रहे हैं ये कौन से टाइप का एम्ब्रियो है, यानी मोनोकोट है या डाइकोट है। तो सीधा सा हमने यहां पर बता दिया कि कौन से प्लांट, डाइकोट प्लांट। तो आप देखें कि यहां पर डाइकोट जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में अप्रोक्सीमेट एक पेज की थ्योरी है, कितनी, एक पेज की थ्योरी है इस टॉपिक की। मैंने बोर्ड पर मुश्किल से दो सेंटेंस भी नहीं लिखे हैं और जो आपकी एक पेज की थ्योरी है उसका 90% आपका यहाँ बोर्ड पर मिलने वाला है। तो इट मींस फिर मैं कह रहा हूँ आपको कोई थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक फॉर्म में ध्यान में रखें। तो अगर आप डायग्राम ध्यान रखेंगे तो एक तो बोर्ड में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा और दूसरा आपको थ्योरी की झंझट नहीं रहेगी, यानी थ्योरी को आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुने और समझें, ठीक है ना। अब देखें कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले वाले इवेंट की हम बात करें। तो पहला वाला इवेंट इट मींस फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने बात की थी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जायगोट, यानी जब एक नर युग्मक मेल गैमेट और एक मादा युग्मक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो एक डिप्लॉइड यूनिसेलुलर जायगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर देखें एक हैप्लोइड मेल गैमेट और एक हैप्लोइड फीमेल गैमेट जो दोनों है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू फ्यूज होकर एक जायगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आपको जो डबल फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट मिले थे दो, एक मिला था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और दूसरा मिला जायगोट। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो चीज हमने पहले डिस्कस कर ली। अब दूसरे रिजल्ट की बारी है जो कि है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जो जायगोट बना इस जायगोट में डिफरेंट टाइप के डिविजन से किसका किसका फॉर्मेशन होने वाला है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और एक एक स्टेप को आसानी से देखें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन आपको क्या मिला, जायगोट, जायगोट विच इज अ डिप्लॉइड एंड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है भैया, ये है एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। अब क्या होता है इस जायगोट के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन, मैंने येलो कलर की चौक से डॉटेड फॉर्म में आपको बताया हुआ है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब होता है एक अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है ना। अब जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ इस फॉर्म में यहां पर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो देखें जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, यहां पर कितनी सेल्स बनी, दो सेल्स बनी, बन गई दो सेल। आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाली सेल है, जो ऊपर वाली सेल है, इस सेल को चूंकि ऊपर है ये, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, एपिकल सेल, यानी शीर्षस्थ कोशिका। फर्दर इन फ्यूचर इसी सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसलिए आपने इसको एम्ब्रियोनिकल सेल यानी भ्रूणीय कोशिका कह दिया। और ये जो है इसका डायरेक्शन किस तरफ है, चैलेजा की तरफ। कहां चल रहा है ये, एम्ब्रियो सेक के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर ये इवेंट चल रहा है। और एंडोस्पर्म में ये वाला जो पोर्शन, जो एक सेल का डायरेक्शन होता है, वो किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। और ऊपर क्या, चैलेजल पोर्शन। तो देखें ऊपर है तो आपका एपिकल सेल, शीर्षस्थ कोशिका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसलिए एम्ब्रियोनिकल सेल। और किस तरफ डायरेक्शन है इसका, चैलेजा की तरफ डायरेक्शन है, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, चैलेजल सेल कह दिया, यानी निभागीय कोशिका भी आप इसको कह सकते हैं। नीचे वाली जो कोशिका है बेस में है, आधार में है, इसलिए आपने इसको कह दिया बेसल सेल। फर्दर इन फ्यूचर ये एम्ब्रियो बना रही थी, ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी, निलंबक का निर्माण करेगी, इसलिए आप इसको क्या कह देंगे, निलंबक कोशिका।
और वो चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, तो ये किस तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, माइक्रोपाइलर सेल। समझ में बात आई, इजी वे में, बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको समझिएगा। एक एक स्टेटमेंट आपको ऐसा का ऐसा सेम कहाँ मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम को याद करें आप, इस डायग्राम को आप समझें, इस फ्लो चार्ट को समझें, ताकि आपको कोई थ्योरी याद नहीं करनी पड़े, ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे में आपके पास में फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लोइड जायगोट मिलता है, इस जायगोट में एक ट्रांसवर डिवीजन हो जाएगा, दो सेल्स बनेगी, एक ऊपर की तरफ है तो वो एपिकल हो गया, नीचे की तरफ होगा तो बेसल सेल हो गया। अब फ्यूचर के बेस पर भी आप बता सकते हो, ऊपर वाली सेल इन फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी तो वो एम्ब्रियोनिकल सेल हो गई, नीचे वाली सेल सस्पेंसर का फॉर्मेशन, निलंबक का निर्माण करेगी तो वो सस्पेंसर सेल हो गई। ऊपर वाली का डायरेक्शन किस तरफ है, चैलेजा की तरफ, तो वो चैलेजल सेल हो गई। नीचे वाले का डायरेक्शन किस तरफ है, आपके माइक्रोपाइल की तरफ है, तो वो कौन सी हो गई, माइक्रोपाइलर सेल हो गई। समझ में आई बात। अब देखें एपिकल सेल में होने वाले जो भी चेंजेस हैं वो मैं इस एरो के ऊपर की तरफ बता रहा हूं, और जो बेसल सेल में जो चेंजेस होने वाले हैं उनको मैं कहां बता रहा हूं, एरो के नीचे की तरफ बता रहा हूं। तो आप इससे समझिएगा कि जो आपका एपिकल सेल या एम्ब्रियोनिकल सेल या फिर जो चैलेजल सेल थी उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का मतलब इस तरीके से, ये आपका इसमें क्या होने वाला है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है ना। और देखिए नीचे वाली सेल जो बेसल सस्पेंसर या माइक्रोपाइलर सेल है इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन, इट मींस ये रहा आपका ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है नीचे वाली सेल में, और ऊपर वाली सेल में कौन सा हो रहा है, आपका अनुदीर्घ विभाजन या लंबवत विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखें कि अगर हम यहां पर इसमें इस तरीके से डिवीजन करवाते हैं तो आपको एज ए रिजल्ट यहां पर कितनी सेल्स मिलेंगी, 4 सेल्स, दो नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ। तो जो आपकी एम्ब्रियोनिकल सेल थी एक सिंगल सेल, उससे एक और सेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी दो सेल बन गई। नीचे की तरफ भी आपको कितनी सेल्स मिलती हैं, दो सेल्स मिलती हैं। अब आप ध्यान में रखेंगे बेसल सेल में कभी भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ सस्पेंसर। आप देखें यहां पर इस चीज को समझना ना, सस्पेंसर क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है, तो यहां पर आप समझे इन चीजों से, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है ये पूरा एम्ब्रियो है, और जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। तो सस्पेंसर जो बनने वाला है वो इस सेल से बनने वाला है। तो इसमें देखो कहीं लॉन्गिट्यूडनल सेल दिख रही है आपको, सारी की सारी सेल्स कैसी है, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है। तो यहां पर आपको हमेशा कौन सा डिवीजन मिलेगा, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर डिवीजन मिलेगा, जबकि जो एम्ब्रियोनिकल सेल है उसमें आपको सारे टाइप के डिवीजन मिलेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल भी मिलेगा, ट्रांसवर्स भी मिलेगा, एंटीक्लिनल भी मिलेगा और पेरिक्लिनल भी मिलेगा, सभी तरह के डिवीजन आपको एम्ब्रियोनिकल सेल में देखने को मिलेंगे। तो देखें सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, एक से दो बन गए, ट्रांसवर डिवीजन हुआ, एक से दो बन गए। अब क्या होता है फर्दर देखो कि मैंने क्या कहा, एरो के इस साइड में ऊपर वाले चेंजेस और एरो के इस साइड में नीचे वाले सेल के अंदर चेंजेस होंगे। तो जो नीचे वाली जो बेसल सेल्स हैं आपकी उसमें 3 to 4 ट्रांसवर डिवीजन, कितनी बार, 3 to 4 टाइम ट्रांसवर डिवीजन, 3 से 4 बार अनुप्रस्थ विभाजन, और 3 से 4 बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो क्या होगा कि यहां पर अप्रोक्सीमेट 7 to 10 सेल्स स्ट्रक्चर है ना, 7 से 10 कोशिकीय संरचना क्या बन जाएगा, सस्पेंसर। तो रेगुलरली हमने इसमें 3-4 बार क्या करवा दिया, ट्रांसवर डिवीजन करवा दिया। जैसे ही ट्रांसवर डिवीजन करवाया हमको ये एक लंबा सा येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये मिलता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। क्या कहेंगे इसको, सस्पेंसर। ऊपर वाली सेल में क्या हुआ, देखो एक ट्रांसवर डिवीजन हुआ यहां पर, अगर एक ट्रांसवर डिवीजन हुआ तो 2 से कितनी सेल का फॉर्मेशन हो गया, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एंड द ग्रुप ऑफ 4 सेल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं चतुष्टांचक, है ना। तो आप इंग्लिश वाले जो है वो इतना सा ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान में रखेंगे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को, कि यहां पर 2 सेल जो है वो डिवाइड हुई ट्रांसवर्सली और किसका फॉर्मेशन हुआ, क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट, क्वाड्रा वर्ड रिप्रेजेंट करता है 4 को, यानी अ ग्रुप ऑफ 4 एम्ब्रियोनिकल सेल,
इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब देखें, नीचे सस्पेंसर बन गया, ऊपर बन गया क्वाड्रेंट। तो सस्पेंसर को तो अपने कंप्लीटली बना दिया, अब उसके अंदर कोई डिवीजन होने वाला नहीं है, यानी मिनिमम 7 सेल्स और मैक्सिमम उसके अंदर 10 सेल्स ही होती हैं, इनसे ज्यादा सेल्स होती भी नहीं है। तो आपने यहां पर जो है वो करवा दी 7 to 10 सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब होता क्या है, देखे ध्यान से समझना कि ट्रांसवर्स और पेरिक्लिनल डिवीजन इन क्वाड्रेंट, इट मींस अब सस्पेंसर सेल के अंदर या सस्पेंसर में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, अब डिवीजन किस में होगा, इस वाले के अंदर। और एक एक ट्रांसवर्स या आप कह सकते हो पेरिक्लिनल डिवीजन, तो पेरिक्लिनल डिवीजन या ट्रांसवर डिवीजन इस तरीके से एक एक में, यहां पर सब में ट्रांसवर डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा 4 to 8 सेल, 4 सेल से कितनी बन जाएंगी, 8 सेल का फॉर्मेशन। जैसे ही 8 सेल का फॉर्मेशन, देखो मैंने यहां पर एक पेरिक्लिनल लिया, इसके चारों तरफ राउंड में बना दिया, तो 4 सेल जो है इनसाइड एंड 4 सेल जो है वो आउटसाइड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिकल सेल इज कॉल्ड ऑक्टेंट। अपन इसको क्या बोलेंगे, यहां पर ऑक्टेंट बोलेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब 4 सेल्स, ऑक्टेंट का मतलब 8 सेल्स। लेकिन 8 सेल्स में भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आउटर जो 4 सेल्स हैं वो रेगुलरली डिवीजन करके कौन सा डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करेंगे। जो बाहर वाली सेल्स होती हैं वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करती है, वॉल का फॉर्मेशन। आप जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल को आप याद कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एंथर को आप याद कीजिए, उसमें भी मैंने आपको बताया था एक बाहर की तरफ पेराइटल सेल बनी, अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल बनी थी, तो पेराइटल सेल ने बाद में डिफरेंट वॉल का फॉर्मेशन किया था ना। सेम यही कंसेप्ट यहां पर है कि 4 सेल या क्वाड्रेंट इज कन्वर्टेड इंटू ऑक्टेंट थ्रू द ट्रांसवर्स और पेरिक्लिनल डिवीजन। एक अनुप्रस्थ या एक परिणत विभाजन के द्वारा चतुष्टांशक किस में बदल जाता है, अष्टांशक में बदल जाता है, ऑक्टेंट बन गया। अब बाहर की जो सेल्स है, आउटर लेयर की जो सेल्स है, ये किसका फॉर्मेशन करने वाली है, इनको आप डर्मेटोजन कहोगे। क्या कहोगे, डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन का फंक्शन मैंने यहां पर लिखा हुआ, देखिए एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो, डर्मेटोजन से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, एम्ब्रियो की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होने वाला है। जबकि अंदर की तरफ जो आपको सेल्स का ग्रुप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास आप कह सकते हो, या इनर सेल ऑफ द एम्ब्रियो आप कह सकते हो। अच्छा, इनर सेल मास और इनर सेल ऑफ एम्ब्रियो जो है वो किसको बनाएगी, वो एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स को बनाएगी, लाइक प्रोकैम्बियल हो गया आपका, जो आपके कोटिलेडिन्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, हाइपोकोट का फॉर्मेशन करेगा, एपिकोट का फॉर्मेशन करेगा, प्लूमूल बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, इन सब का फॉर्मेशन किससे होने वाला है, इनर सेल मास से होने वाला है। लेकिन जो एपिडर्मिस है वो कौन बनाएगा, डर्मेटोजन बनाएगा। यहां तक बात समझ में आई, एक बार हम यहां तक फर्दर रिपीट कर लेते हैं। एक डिप्लॉइड जायगोट, डिप्लोइड जायगोट में एक ट्रांसवर डिवीजन से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक को आपने कहा एपिकल और दूसरे को कहा आपने बेसल। एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 2 सेल का फॉर्मेशन और बेसल सेल में भी ट्रांसवर डिवीजन से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। जो नीचे की येलो कलर की सेल्स हैं ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी, तो इसमें 3 से 4 बार ट्रांसवर डिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको यहां पर 7 to 10 सेल स्ट्रक्चर है ना, मिनिमम 7 सेल हो सकती है, मैक्सिमम 10 सेल हो सकती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड सस्पेंसर। और आप जो है ऊपर देखें, जो आपका एपिकल सेल था उसमें फर्दर एक ट्रांसवर डिवीजन से यहां पर 4 सेल का एक ग्रुप मिलता है आपको, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एक ट्रांसवर डिवीजन कह दीजिए या एक पेरिक्लिनल डिवीजन कह दीजिए, उसके थ्रू यहां पर ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। ऑक्टेंट में बाहर की तरफ जो 4 सेल्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करेगी, डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो, यानी जो आपकी डर्मेटोजन है ये डर्मेटोजन किसका निर्माण करेगी, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। और जबकि जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास आपके भ्रूण के विभिन्न भागों का निर्माण करेगा, जिसमें बीज पत्राधार, बीज पत्रों परिक, प्रांकुर, मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष है ना, बीज पत्र, ये सारी संरचनाएं आ गई। अब इसके आगे चलते हैं, तो यहां पर
सस्पेंसर में कोई डिवीजन होने वाला नहीं है, लेकिन एक एक चेंज आपको यहां से यहां आने में दिख रहा होगा कि यहां पर कोई सकर सेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सस्पेंसर की जो एट लास्ट सबसे नीचे वाली सेल होती है, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो सेल होती है, वो थोड़ी सी स्वालन हो जाती है, फूल के बड़ी हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड सकर सेल। क्या काम होता है इसका? तो इसके बाहर क्या है, इसके बाहर की तरफ या ये फिर ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, ये एंडोस्पर्म में प्रेजेंट है, और एंडोस्पर्म में बहुत सारा न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन को ये सकर सेल एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचाती है, एम्ब्रियो तक पहुँचाती है। लेकिन एक पॉइंट और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्टेंट के पास या एम्ब्रियो के पास जो फर्स्ट आपकी सस्पेंसर की सेल होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, हाइपोफाइसियल सेल, अधःस्फीतिका कोशिका, ठीक है ना, हिंदी में भी आप ध्यान में रखें अधःस्फीतिका कोशिका, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान में रखेंगे हाइपोफाइसियल सेल या हाइपोफाइसिस, क्लियर। अब क्या होता है, इसमें नीचे वाली सस्पेंसर के अंदर कोई डिवीजन होने वाला नहीं है, लेकिन अभी भी ऊपर वाली जो आपकी डर्मेटोजन और जो आपकी इनर सेल मास है, उसमें रेगुलर डिफरेंट टाइप के, अब यहां पर डिवीजन, यहां पर कोई डिवीजन का नाम नहीं लिख रहा हूं, ट्रांसवर, लॉन्गिट्यूडनल, एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल, सभी प्रकार के यहां पर क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और जिससे आपको राउंड शेप एम्ब्रियो देखने को मिलता है। किस टाइप का एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, राउंड शेप एम्ब्रियो देखने को मिल जाता है, और राउंड शेप में आपको देखो आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रही है, दैट इज द ग्रीन, ग्रीन लेयर जो आपको दिख रही है, दैट इज एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो। एंड देन एट लास्ट क्या होता है कि जब इसके अंदर फर्दर और डिवीजन होता है, तो एट लास्ट ये जो आपका एम्ब्रियो है, ये एक हर्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा एम्ब्रियो, हर्ट शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ देखने को ये क्या दिख रहे हैं, दो आपको कोटिलेडंस दिख रहे हैं, यानी दो बीज पत्र होते हैं इसके अंदर, ये आपके दोनों बीज पत्र हैं, और दोनों कोटिलेडंस के बेस पर आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां पर देखने को मिलेगा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब क्या होता है, प्रांकुर, और प्रांकुर किसका निर्माण करता है, प्ररोह का विकास करता है। तो ध्यान में रखें, प्लूम्यूल यानी प्रांकुर, और प्रांकुर से प्ररोह का विकास होगा। तो दो कोटिलेडन, दोनों कोटिलेडन के बेस पर प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल किसका डेवलपमेंट करेगा, शूट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब देखें हम आगे बात करते हैं, तो अंदर की तरफ आपको क्या मिलती है, अंदर की तरफ मिलती है आपको एम्ब्रियोनिकल एक्सेस। क्या मिलेंगी, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के कुछ ऊपर का पोर्शन आपका एपिकोट, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका हाइपोकोट, यानी इसे आप कहते हैं बीज पत्रों परिक, इसे आप कहते हैं बीज पत्रा धार, यानी बीज पत्रों परिक यानी ऊपर वाला, पत्रों परिक यानी ऊपर वाला, बीज पत्रा धार यानी बीज पत्र के नीचे आधारी पोर्शन जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, बीज पत्रधार, है ना, हाइपोकोट। और जस्ट हाइपोकोट के नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा यानी मूलांकुर। और रेडिकल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ रूट, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ रूट के लिए, यानी मूल के विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो गया आपका एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है ना। इसमें जो 90% स्टेटमेंट थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, पूरी सीक्वेंस से आपको ये मेथड ध्यान में रखना है।